वेलकम टू लेमन शान विद रश्मि भेदी। आज हमारे साथ है शाने राजस्थान फकीरा खान बिसाला जी। ओ तुम पास आए यूं मुस्कुराए, झूम उठे शाहरुख सुनकर अपने ही गाने का एक अलग अंदाज। अभी तो मेरा दिल जाके न सोता। वीवो कैमरा एंड म्यूजिक प्रेजेंट्स दिल है हिंदुस्तानी अगले शनिवार रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस पर। नमस्ते, कैसे हैं आप फकीरा खान जी? खमा गणी नमस्कार, सत श्री अकाल। बस ठीक ठीक है, मैं लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हैं बस, और संगीत और सुर का रियाज कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोगों ने तो समय का जो सदुपयोग किया है वो कमाल की बात है और बहुत इंस्पायर करते हैं आप लोग सबको, बिकॉज आप सबसे हम सीख पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जब संगीत हमारे जीवन में आ जाता है तो जीवन का रंग कुछ कलरफुल बन जाता है, उससे जीवन का रंग ही कुछ और हो जाता है। तो इट इज़ ग्रेट, और आप लोगों के कमाल से ही हम लोगों के जीवन में खुशियाँ बिखेरी हुई हैं आप लोगों ने। तो इट्स ग्रेट टू नो आपका जो कल्चर है उसके बारे में हम लोग और भी आपसे जानना चाहते हैं, बिकॉज आपने आज राजस्थान का नाम बहुत रोशन किया है और विश्व भर में आप लोगों ने धूम मचाई हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे शुरुआत की आपने म्यूजिक की, कैसे आपका मतलब शुरू से ही आपके घराने में, या आप ही ने ही गाना शुरू किया था? बिल्कुल भाई जी, ऐसा है कि हम मांगनियार लोक घराना एक घराना है जो परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से एक विरासत चली आ रही है। वो जैसे मातृभाषा अपना बच्चा सीखता है वैसे ही ये लोक संगीत है, हमारे बच्चे ये सीखते आ रहे हैं। हमने अपने पिताजी से सीखा, पिताजी अपने दादाजी से सीखा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये विरासत चली आ रही है। और ये लोक संगीत एक ऐसी संगीत है जो क्लासिकल है, शास्त्रीय संगीत है, बॉलीवुड है, जो भी संगीत निकला जो इसी लोक संगीत से निकला है। तो अच्छा जी, ये लोक संगीत एक बहुत बड़ी, और जिसे मात्र कहते हैं माता जैसे भली लगती अच्छी लगती है, वैसे ये लोक संगीत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे से आपने बताया है। जब आप ये संगीत का, जैसे आपका जो लोक संगीत आप गाते हैं, तो इसमें कौन कौन से वाद्यों का इस्तेमाल करते हैं? मैं आपके साथ देख रही हूँ कि आपके साथ दो कलाकार और भी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगी उनके बारे में बताइए। मैं जो वो ढोलक नजर आ रहा है और पीछे उनके हाथ में क्या वो नजर नहीं आ रहा है, खड़ताल खड़ताल खड़ताल। अच्छा जी, तो खड़ताल के बारे में भी कुछ बताइए हमें, और जो आपके साथ बैठे हैं देखिए, इनके बारे में भी हमारे बताइए, जो दो कलाकार जी बैठे हैं। हाँ जी, हाँ, ये मंजूर खान मेरा भतीजा है, ढोलक नमस्ते। बजाता है, और ये नमस्ते। बाणी मेरा भुट्टा खान ये अच्छा खड़ताल बजाता है, और हारमोनियम हमारे जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है जी, वो कमाचा है। वो 500 साल पुराना एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बुजुर्ग हमारे बजाते थे, जी अभी कुछ लोग बजाते हैं लेकिन हाल में हमारे साथ नहीं, लेकिन पूरा ग्रुप हमारा होता है उसके अंदर, खड़ताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मटका और हारमोनियम और ढोल, ये सब इंस्ट्रूमेंट साथ में होते हैं। मैंने सुना है फकीरा जी की जो खड़ताल है उसे बजाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि इससे इसके ये चार एक वुड है लकड़ी जो हमारे यहाँ शीशम की लकड़ी होती है, जी जो प्लेक उसके उसके ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खड़ताल है, ये चार पट्टी है बस, अच्छा जी, ये वुड की बनाई जाती है, इसको करताल कहते हैं। कर मतलब हाथ, हाथ के अंदर जो तो ताल निकालते हैं उसे करताल कहते हैं, जैसे अब मैं समझ ये सकती हूँ कि खड़ताल शाहरुख खान भी क्यों नाच रहे हैं आपके साथ, इसी वजह से, क्योंकि आप बजाते ही कमाल का है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारे पास आप जैसे कलाकार हैं जिन्होंने इतना नाम रोशन किया, और म्यूजिक को आप एक नया फॉर्म दे रहे हैं, जो आप बॉलीवुड को भी आप ऐड कर रहे हैं अपने लोक संगीत के साथ और एक नया फॉर्म दे रहे हैं। मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी, और आपने
दिल है हिंदुस्तानी में भी आप गए और टॉप 6 में आए रियलिटी शो में, तो उसके बारे में भी मैं कुछ जानना चाहूंगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस टाइम? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी जो पारंपरिक लोक विरासत को लेके पूरे विश्व में हमने कार्यक्रम किए, लेकिन अब शाहरुख जी ये नाच रहे हैं, ये खड़ताल बजा रहे हैं, और उसके साथ में ये हमारा छोटा बड़ा लड़का है जाकिर, वो साथ में खड़ताल सिखा रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, अभी आपको रिसेंटली नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला, और भी बहुत से जी अवार्ड्स बिल्कुल, हैं, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए उनके बारे में। मैं वैसे तो 93 से 95 में तक मैं पूरे यूरोप में मैंने कार्यक्रम किए। यूरोप में एक थिएटर ऑफ जिंगारो था, जब मेरे उसका नाम था, तो घोड़ों के ऊपर जो वहां के अंग्रेज थे वो उसके ऊपर चढ़ते थे, नीचे उतरते थे, एक्रोबैट करते थे, उसके साथ हमारा संगीत था। तो हमने पूरे यूरोप में 590 प्रोग्राम किए। तो फिर फ्रांस सरकार की ओर से हमारे लोक कलाकारों को वहां सम्मानित किया गया। उसके बाद में ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो न्यूयॉर्क में है, वहां हमने 90 कार्यक्रम किए, तो वहां पर भी हमारे को सम्मानित बहुत अच्छे किया गया। बहुत अच्छे उसके बाद में फिर हमारे को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। नेशनल युवा पुरस्कार मिला गया, और उसके बाद में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके की ओर से हमारा नाम दर्ज किया गया। फिर बाद में साने राजस्थान वो गवर्नर की ओर से और जी न्यूज की ओर से दिया गया, और स्टेट अवार्ड भी दिया गया, और दूसरे जो जिला स्तर पर हैं, दूसरी संस्थाएं हैं जहां प्रोग्राम फेस्टिवल बड़े होते हैं वहां पर हैं, करीबन दर्जनों हमारे को पुरस्कार से नवाजा गया। हमारे को बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस लोक संगीत का लोगों ने इज्जत की, लोगों ने कदर किया, उसका सम्मान दिया, तो हमारा भी इज्जत बढ़ी है। बहुत और अच्छा कलाकार का हौसला अफजाई होता है ना, तो उसके लिए संगीत में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उसी का ये फल है। जी, बिल्कुल। तो जब आप रियलिटी जी शो में गए तो आप क्या सोच के गए थे उस टाइम कि अब मैं जो है अपने संगीत को आगे बढ़ाना है, या क्या आपकी सोच थी उस टाइम? हमारी सोच भाई जी ये थी कि जब मैं पूरे विश्व के 100 देशों के 300 शहरों में 1,000 से ज्यादा मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ जी, आज दिन तक, अरे वाह, 15 तक, तो फिर हमारे इस बच्चों ने कहा, मेरा लड़का सलामत खान वो भी गाता है, एक मेरा भतीजे है वो खेता खान, हमारा ग्रुप का नाम 2015 में जब वो रियलिटी शो में गए दिल्ली हिंदुस्तानी में, तो वहाँ हमारा नाम फकीरा खेता एंड ग्रुप दिया गया। अरे वाह, तो, बहुत और अच्छा। साथ में सलामत था, और ये ढोलक वाले पूरे करीबन 10 कलाकार हम थे। तो 550,000 लोगों का ऑडिशन हुआ, अच्छा 50,000 में 500 को सौटा गया, और 500 के बाद में 300, 300 के बाद में 200, 200 के बाद में 100, वाह, 100 के बाद में 18, 18 के बाद में 50, 50 बाद में टॉप 30, और टॉप 30 के बाद में टॉप 10, फिर वाह, टॉप 9, टॉप 8, टॉप 7, टॉप 6 और टॉप 5 में हमारे की वोटिंग कराई। ये पूरे वाह विश्व का शो था, वाह, और उतनी तक हम चले आए, फिर टॉप 5 में हमारी वोटिंग कम मिलने से फिर हम वहां निकल गए। पर हमारे उसके बाद में हमारा फकीरा खेता एंड ग्रुप पूरा विश्व में एक प्रचलित नाम हो गया। जहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रेन में जाते तो भी कहते ये फकीरा खेता एंड ग्रुप थे, वो रियलिटी शो में आए थे। पहले क्या भी हम बात गए है। थे, एक्सपर्ट इंडिया में भी हम गए थे, जी, और सोनी टीवी पे चल रहा था उसमें मैंने कार्यक्रम किया था, लेकिन वो फाइनल तक पहुंचे। फिर बाद में हमारा जो यूएसए में कार्यक्रम था, कैनेडी सेंटर का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें गए थे। एलए में भी हमने प्रोग्राम किया, और सैन फ्रांसिस्को में किया, शिकागो में भी किया, फ्लोरिडा में भी किया है। और तो हमारा वो कार्यक्रम होने से वो शो हमारे को छूट गया था। फिर बाद में इन बच्चों ने कहा कि जो सब कलाकार हैं, आपने इतना नाम किया है, लेकिन हम टीवी पे आना चाहते हैं, और टीवी के माध्यम से आपकी और इज्जत बढ़ेगी, और आपका और नाम होगा, और आपको डायरेक्ट बुलाएंगे। हाँ जी, पहले हम किसी के बिल्कुल, थ्रू जाते थे, पहले हमारे को लेने ले जाने वाला ऑर्गेनाइजर होता था, क्यों जी हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जी बाहर टिकटें करवानी, ले जाना, प्रोग्राम करना, वापिस जाना, इसलिए हमारे को दूसरे लोग बिल्कुल दे जाते थे। तो यार, वहां जाके फिर हम 2016 में हमने प्रोग्राम किया, तो वहां शाहरुख खान साहब है, और साहब और भी जो वहां के कलाकार और पूरे फिल्म इंडस्ट्री वाले जितने भी हैं वो वहां आए, हमारे उनसे रूबरू कराया, और पूरे विश्व में टॉप 6
एक स्थान पाकर एक मिसाइल कायम की। क्यों, हमारे लोक कलाकार ज्यादा नहीं चलते, हमारे से पहले भी एक बच्चों को भेजा था हमने, स्वरूप को गए थे, स्वरूप खान इंडिया आइलैंड था, और उसके बाद में मोती खान भी था और जसू खान भी था। लेकिन जब हम गए, हमारा ग्रुप था, और हमने ये उनसे निवेदन किया था कि एक ड्रेस हमारी रहेगी और एक इंस्ट्रूमेंट हमारे रहेंगे, और अच्छा गायकी है वो लोक संगीत के साथ में बॉलीवुड करेंगे, फिर जी, हमारा इतना बड़ा नाम हुआ। क्या बात है, हम भी बड़ी शान महसूस करते हैं। फकीरा केता इन ग्रुप ने तो कमाल कर दिया और विश्व भर में झंडे गाड़ दिए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ सुना देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे यूएस में तो हम बहुत 2-3 साल रहे, वहां काम किया हमने, पूरा पूरा यूएस घुमा है, पूरा कनाडा घुमा है, बहुत प्रोग्राम किए। अब आप जल्दी आइए हमारे पास भी और हमारे व्यूअर्स को कुछ सुना दीजिए अच्छा सा, जो भी जी हाँ बिल्कुल आपका बिल्कुल, पसंदीदा एक लोक संगीत जो आपको पसंद है। लोक संगीत पहले हम आपको स्वागत दी, आपका स्वागत करते हैं। लॉकडाउन के बहुत अंदर आप वहां यूएस में बैठे हमारे को सुन रहे हो, इससे हमारे बहुत बड़े आज हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो आपका हम आभार व्यक्त कर सके, क्योंकि आप इतने वहां जहाँ 24 घंटे जाग के लगते, रात दिन का फर्क है, अभी वहां पर दिन है, अभी यहाँ रात पड़ गई है, तो जी आप वहां हमारी इस लोक कला को आप सुन रहे हो, लोगों को रूप रोकना रहे हो, और इसलिए हमारे को बड़ी खुशी की बात है, और उसके लिए हम आपको स्वागत गीत वेलकम सॉन्ग ऑफ राजस्थान निबुड़ा, और उससे जी पहले केसरी पालन सुनाना चाह रहे हैं। जी
क्या बात है, क्या बात है, मैं बस तो शब्द ही नहीं, फकीरा जी कमाल कर दिया आपने, क्या आवाज है आपकी और क्या गाया है आपने, ऐसा लग रहा है हम भारत ही पहुंच गए हैं। थैंक यू, मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी हमारे यूएसए और कनाडा के व्यूअर्स की तरफ से, वो सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपका शो और बहुत खुश हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है, हमारे चैनल के थ्रू हम खुशियां बिखेरते हैं। यूं है कि हमने कॉर्नेगी हॉल में प्रोग्राम किया, खादुलाविल जी में प्रोग्राम किया, कैनेडी सेंटर में प्रोग्राम किया, और वहां एस्कॉट हॉल में प्रोग्राम किया, टोरंटो में भी प्रोग्राम, कैलगरी, वैनकूवर, पूरा ही मतलब कनाडा और पूरा यूएसए में हमने बहुत 200 कार्यक्रम किए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया आपने। तो फकीरा जी, एक आपका सुनना चाहूंगी, बॉलीवुड के साथ जो आपने मिक्स करके कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं अपने लोक संगीत को, तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए एक वो सुना दीजिए। Yeah.
क्या बात है, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। इतना अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, हम कहीं और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। क्या आवाज है आपकी, कमाल ही है, बहुत बढ़िया। और मैं ये देख रही हूँ आपकी जो फैमिली में चला आ रहा है, अमेजिंग। और सलामत जी भी बहुत बढ़िया है, और आपकी तो बात ही क्या, वो सब आपसे ही उन्हें मिला है, बहुत ये पूरा बढ़िया परिवार हमारी फैमिली है, दो जी बच्चे, बड़ा जाकिर है वो खड़ताल बजाता गाता है, और सलामत तो अच्छा सिंगर है। सलामत जी और खेता ये दोनों जो भी बॉलीवुड में गए थे, तो फिर हम तो अनपढ़ थे, हम खेता दोनों ही यूं समझो अनपढ़ ही है। फिर ये इसको बुलाया यहाँ से, भी तुम वहां आ जा, जी हमारे को समझाया गया अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, गीत का क्या नाम है, राग का क्या नाम है, ताल क्या है। फिर ये सलामत आके हमारे को हमेशा रियाज कराता था, अच्छा जी उसके पूरे टॉप 6 तक पहुंचे, तो ये सलामत की भी देन है। वाह, बहुत और सब बढ़िया, पब्लिक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी आप सब परिवार यूएसए आए और कनाडा वालों के पास आए, और आपको रूबरू यहाँ हमारे साथ सुने तो और मजा आएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा हम दमादमी सुना देते, दमाद मस्त जरूर कलंदर, बिल्कुल। जरूर। लाली देखन में गई तो खुद भी हो गई गुरु गोविंद दोनों खड़े उसके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने मन गोविंद यो हम गुरु गुरुनाथ तो नानक नाम हमारा, नानक नाम हमारा। कबीर कुआ एक है और पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे बंदा पानी सब में। कीड़ी में कीड़ी बन बैठो, हाथी में हाथी बन बैठो, और कीड़ी में तू छोटो तू होके महावत ऊपर बैठो, आकण वाड़ो तू है तू। दिया जून जल थल में दाता तो जहां दिखा जा तू ही तू। चोरों के संग चोर बन जावे और कपटियारे भेड़ो तू, करके चोरी भाग्यो जावे और पकड़न वालो तू है तू। दाता के संग दाता बन जावे और भिखारियों रे भेड़ो तू, होके मंग तो मांगण लागो और देवन वालो तू है तू।
दो जान में दिशे तू होके बालक रोवण लागो और राखण वालो तू हे तू ओ लाज मोरी पवे Yeah.
पड़ी। क्या बोलो, हमारे यहाँ तो सब अपना काम छोड़ के सारा स्टूडियो में हमारे सारे यूनिट वाले सब नाच रहे हैं और सबको बहुत मजा आ रहा है। इतनी शानदार शुरुआत की आपने, सुबह की वहां आके कमाल ही कर दिया आपने। तो पूरा जी, ग्रुप नहीं है ना, अरे आपने तो पूरे पूरा और भी पूछेगा। ग्रुप आएगा तो पूरा यूएसए नाचने उठेगा। बड़ी मेहरबानी, आपने हमारा पूरा दिन इस चैनल के माध्यम से लोगों के रूबरू कराया, इस लॉकडाउन के माध्यम से, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हम कहीं जा नहीं सकते हैं, हम बल अपने घर में बैठे हैं। जैसे बंदी जेल होती है ना, जिसको बंदी जेल, खुली जेल कहते हैं, हाँ जी वो खुली जेल में है। जी हम तो ये चाहते थे अच्छा शुभ अवसर हो, अच्छे लोग मिले, अच्छा कार्यक्रम हो, ऐसा इवेंट हो, ऐसा कोई फेस्टिवल हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा सेमिनार हो, तो उसे हम जाए और लोगों को हम अपनी संगीत सुनाए जी और बिल्कुल उनका, उन लोगों को हम मंत्रमुग्ध करें, बिल्कुल, मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध ही हो गए सारे, मतलब कमाल ही कर दिया। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अमेजिंग। और ऐसी अच्छी सुबह की शुरुआत यूएसए में इससे अच्छी नहीं हो सकती। यूजे में भी कोरोना ज्यादा आ गया, इसलिए हमने दो शब्द बनाए हैं कोरोना के। हाँ जी जरूर, टाइम हो तो एक दो शब्द बिल्कुल कहते थे बिल्कुल कोरोना। बिल्कुल सुनाइए। संसार ये सतर करे वो सब साथिया, अनरो बचाव ही उपचार, अनरो बचाव ही बचाव ही उपचार। चीन सु चालू हुओ और जाए पोचो जापान, चीन सु चालू हुओ जाए पोचो जापान, स्पेन फ्रांस और अमेरिका, स्पेन फ्रांस और अमेरिका, अरे लीनी जननी जान, इटली फ्रांस और अमेरिका में लीनी सबरी जान। ईश्वर अल्लाह तू बताए, ईश्वर अल्लाह तू बताए केड़ो हुओ ज काम, लॉकडाउन में रहो जो लोगों, अब ले वो हरीरो नाम, अब ली लो हरीरो। ओ कोरोना वायरस, ओ अरे कोरोना भगाओ जनता बचाओ, तो चालू हुआ, तो जा पाल रे
है मुदेरा कोरोना वायरस सारी सृष्टि में सायो रे मुदेरा कोरोना वायरस बहुत बढ़िया फकीरा जी। बट आपका थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ गया, बट आपकी आवाज हमें आ रही है, बट आपके पिक्चर्स स्टिल हो गए, बट आप इतना अच्छा गा रहे थे इसलिए हमने उसे रोका नहीं। और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कोरोना को लेकर आम लोगों में, और सब इसे माने, सब इसे सुने और सब इसे फॉलो करें तो हम जल्दी ही सब ठीक हो जाएंगे और ऊपर वाला ही बचाने वाला है। और ऊपर वाले से बस हाथ जोड़ के विनती कि जल्दी सब ठीक हो जाए और कोरोना जल्दी से चला जाए ताकि हम सब बैक टू नॉर्मल लाइफ आ सकें एंड वी ऑल कैन मीट। यही हम, हाँ जी, वो हमारे साथ हैं फकीरा जी। जी फकीरा जी, आपने हमारे संगीत को सुना और कोरोना के लिए भी हमने जो दो शब्द कहे और लोगों को ये संदेश, जागरूकता संदेश हमने दिया है, तो ये सब आपको पूरे विश्व में देना चाहते हैं कि अपने सतर्क रहें और बचाव का उपचार करें। बस यही बचाव उपचार अपना कर और स्वस्थ अपने घरों में लॉकडाउन में रहकर इस कोरोना का सामना कर नष्ट करावे। खमा गणी। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूंगी फिर से ऑल ओवर यूएसए एंड कैनेडा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। मैं हूँ रश्मि बेदी, हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माय ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ड्रीम टीवी यूएसए।